जारी एन टी वी देखने वाले साथ दर्शकों विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, भी आज मैं आपके बीच में हूँ, एक बहुत ही बड़ी जानकारी आपके बीच में लेके आया हूँ। जानकारी के मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो अनिल को ध्यान के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, भी आज हम अनुकदान जी के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। भी जैसे कि आपको पता है कि भी अनुकदान जी के जो भाई बयान जो देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, उनका ये कहना है कि भी जो उनकी जो मेहनत थी 15-16 साल की वो पानी में बह गई है। तो भाई अनुकदान जी का ये भी कहना है कि जो भाई लोकेशन के बारे में उनको जानकारी नहीं दी गई थी, उनके पास भाई प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और भाई उन्होंने है भाई जो अपने हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी उन्होंने निवेदन किया कि भाई जो ये फिल्म सिटी है इसको पहले की तरह ही रहने दो। और जैसे कि आपको पता है जो हरियाणा के जो कलाकार है भाई, पहले है जो सॉन्ग भाई जहाँ पर मैं शूटिंग करते विदेशों में जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों भाई जो अनुकदान जी ने है जो हरियाणा की जो पुरानी संस्कृति थी अभी उसको दिखाने का एक काम किया था। अब कहीं ना कहीं जो बाहर के जो शूटिंग होती थी, जो बाहर शूटिंग होती कलाकारों की, जो हरियाणा के जो कलाकार बाहर शूटिंग करते थे, अब कहीं ना कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता था, लेकिन जो शूटिंग भाई जो सॉन्ग की कोई भी शूटिंग है वो अपने ही हरियाणा में कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जो कलाकार हैं उनके मुँह पर तमाचा लगा है। और जितने ये साथ ही देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर कर रहे हैं, और जैसे कि आप टाइटल में आपने देख भी लिया जो मैंने आपको वीडियो में टाइटल दिया है, तो अब इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। भैया आज अनुकदान जी है एक बहुत ही बड़ी हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस रखने वाली है, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें होने वाली है भाई वो वीडियो हम आपके बीच में लेके आएंगे। भी क्या कुछ कॉन्फ्रेंस में आज बातें होने जा रही हैं, और काफ़ी जो हरियाणा के बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े कलाकार, मॉडल, इसके अलावा अन्य और सभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। छोटी जानकारी मैं आपके बीच में लेके आऊँ, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद।